नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं आर एक्सप्रेस में और अपने खास शो को लेकर आप सबका स्वागत करता हूं खास शख्सियत खास बातचीत में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय विद्रोही जी। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम लोग की चर्चा का विषय होगा कि आखिर क्यों उग्र हो रहा है प्रदर्शन। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, जहां बीते दिन रायबरेली पहुंचे शहीद भगत सिंह के पौत्र ने इस बात को कहा कि अब पग का सवाल है। वहीं टीवी चैनलों के माध्यम से आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। कई चर्चाएं हैं, आखिर क्या सोच रहे हैं विजय जी, ये भी हम लोग जानेंगे, और क्या सोच रहे हैं रायबरेली की जनता और क्या सोच रही है पार्टियां, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। विजय जी, सबसे पहला सवाल, किसान आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर हो रहा है उन मुद्दों में क्या खामियां हैं और क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, एक चीज तो ये समझ लीजिए कि जो कृषि के तीन कानून आए हैं, ये तीनों कानून ये किसान की के डेथ वारंट है। अब आप इसको एक एक करके अगर तीनों को अलग अलग बातचीत कई राउंड हुई है तो, लेकिन चूंकि बातचीत उस तरह पूरी नहीं आ पाती है जी। तो आज जब आपके साथ अकेले बैठे हैं तो हम समझते हैं कि उनको इन तीनों कानूनों को, कानून तीन है जी, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है जी। एक तो ये है कि जैसे पहला जो मूल्य संवर्धन संशोधन है, तो पहला कानून जो बना है तो उसमें इन्होंने कहा, पहले एक बना था हमारे देश के अंदर करीब 60 साल से एक कानून चला रहा था जी के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम था। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो हमारे खाद्यान्न की जिनसे है, जिनमें गेहूं है, चावल है, दलहन है, तिलहन है, ये जो आलू है, प्याज है, ये संरक्षित किया गया था कि इसका असीमित भंडारण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जी। इसके एकमात्र असीमित भंडारक सरकार थे। अभी आपने क्या किया कि इसको खोल दिया आपने निजी कंपनियों के लिए कि निजी कंपनियां असीमित भंडारण कर सकती है, उसके लिए कोई लाइसेंसिंग नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है आपके पास। आप एक पैन कार्ड लेके जाइए और 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000 जितना अनाज आप खरीद सकते आप खरीद के हथियार देख लीजिए जी। जब स्पेशल कमोडिटी एक्ट बना था जी, आज के 60 साल पहले, तो उस समय ये दृष्टिकोण था कि खाद्यान्न एक आवश्यक वस्तु है और ये आम आदमी की जरूरत है जी। तो इस जरूरत को अगर व्यापारी संग्रहित कर लेगा तो वो बाजार में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, फिर कालाबाजारी के जरिए फिर वो मनचाहे दाम से बेचेगा। तो इसको उस कानून के जरिए रोका गया था, अभी इस सरकार ने वो रास्ता खोल दिया है ठीक है, और कंपनीज के लिए खोला है। उसमें ये आप गलतफहमी में रहिए कि हम होंगे, आप होंगे, आप होंगे, हमारी आपकी या बलिए हमारे आपके जैसे जिलों में कितनी क्षमता लोगों के पास है। तो इस क्षेत्र के अंदर कंपनियों की जो एंट्री है, ये एंट्री एक बहुत खतरनाक इस कानून के जरिए लाई जा रही है जी। जब चीजों को संग्रहित करना है फिर उसको मुनाफे के आधार पर बाजार में बेचना है, और ये आदमी की दैनिक रोज की जरूरत है, सुबह की जरूरत है, शाम की जरूरत है, जिंदा रहने की जरूरत है जी। तो एक तो ये है कि आपने इसको कॉर्पोरेट के लिए खोल दिया, कंपनियों के लिए इसको खोल दिया, एक तो ये समझिए जी। अब दूसरा इसके पीछे का जो खेल है जी, अभी तक आप एक चीज आप देखिए, मूल एमएसपी का जो सवाल आता है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सरकार कह रही कि हम एमएसपी कहां खत्म कर रहे हैं, तो ठीक है हम भी नहीं कर रहे हैं एमएसपी खत्म कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी आप दे कहां है, एक सवाल ये है। एमएसपी आपने अनाउंस कर दी, सरकार ने बीच में कहा था एमएसपी को लेकर, अब रुकी एमएसपी वाले को समझने की जरूरत है। अभी रायबरेली की मंडी के अंदर, लखनऊ की मंडी के अंदर, देश की तमाम मंडियों के अंदर एक खरीदार बैठा हुआ है जो 968 रुपए में धान खरीदता है जी, 868 रुपए में धान का खरीदार एक बैठा हुआ है जी। जिस समय एक खरीदार अभी भी मौजूद है जी 1800 में 2000 में लेने के लिए, उसी तब ये हालत है जी। आप रोज आप सुन रहे होंगे कि 10 रुपए में धान खरीदा जा रहा है, 12 रुपए में खरीदा जा रहा है, रोज किसान आंदोलित है, हल्ला मचा रहे कि 10 रुपए में धान जा रहा है। जब एक खरीदार मौजूद है, जब ये खरीदार भी गायब हो जाएगा जी, तब क्या हालत होगी जी। तो आपकी एमएसपी कागज पर एक अनाउंसमेंट है, जब ये सवाल आया कि इसको कानून में दर्जा दीजिए कि एमएसपी से कम की खरीद करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, आपराधिक मुकदमा लिख करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इससे सरकार पीछे। तो एमएसपी का सवाल दरअसल में वो दोनों चीजों से इंटरकनेक्टेड है।
कि बाजार को किसान के लिए जो आप कह रहे हैं कि आप कहीं भी ले जाकर बेचें, तो कहीं भी ले जाकर कहां बेचें? नासिक के आसपास का जो किसान है वो अपना प्याज कहां बेचता है? नासिक की मंडी में बेचता है। इंदौर के आसपास जो प्याज का मार्केट है कहां बेचता है? वो इंदौर की मंडी में बेचता है। लहसुन का बाजार कहां? अजमेर की मंडी है उसके लिए। जयपुर की मंडी है, उदयपुर की मंडी है, राजस्थान के अंदर ये तीन बड़ी लहसुन की मंडियां हैं। तो ये जो ये मंडियां जब आप खत्म करेंगे, तो आप कह रहे हो आप कहीं भी ले जाकर बेच लीजिए। हमारे पास 10 क्विंटल गेहूं हुआ है, हम उसको मुंबई लेके जाएंगे? हमारे पास 100 क्विंटल आलू हुआ है, हम उसको कहां ले जाकर बेचेंगे? उसके लिए आदमी ढूंढता है नजदीक की मंडी ढूंढता है। उदाहरण के तौर पर मेजरगंज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर का एक किसान अपना 4 क्विंटल गेहूं अगर रायबरेली लेके आता है तो उसे 2000 रुपए भाड़ा देना पड़ता है। जी। और 2 दिन तक मंडी में ट्रैक्टर लिए खड़ा है, वो अभी धान तोड़ा नहीं जा रहा, इसमें सीलन ज्यादा है, इसमें फलाना ज्यादा। अभी अभी आप देखिए इस पूरी खरीद सिस्टम के भीतर उन्होंने कहा कि 52 मंसूरी के अलावा जी हम दूसरा धान नहीं खरीदेंगे जी। इसको लेके तमाम डेमोस्ट्रेशन हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई कि 52 मंसूरी 52 ही खरीदेंगे। वो 52 मंसूरी क्यों खरीद रहे हैं? 52 मंसूरी राइस मिलर्स का एक प्रेशर है, 52 मंसूरी में 2 टन कम है, निकासी ज्यादा है, तो 52 मंसूरी खरीदिए। बाकी धान कहां ले जाए? बीज आपने बेचा, सरकारी गोदामों से आपने बीज बेचा उन किसानों को जो 52 मंसूरी के अलावा दूसरे धान बोल रहे हैं। तो आप लोग कहते पहले ही 52 मंसूरी पर कोई, तो जब एक खरीदार ऑलरेडी बाजार में मौजूद है वो है सरकार। विजय जी आपने इतना एनालिसिस किया, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। एक तरफ ये सामने आ रहा है कि सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जिनके किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे भारत के जो अन्य राज्य हो, चाहे यूपी हो, वो चाहे बिहार हो, उनके जो किसान है वो शांति से बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है उनके फेवर का कानून है। एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि देखिए ये चीज तो ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा है जी। ये पूरे देश के किसानों का सवाल है और पूरे देश के किसान इस आंदोलन का हिस्सा है जी। वो एक अलग बात है कि हम रायबरेली में बैठे हुए हैं तो हम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं तो हम रायबरेली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल अगर आप देखें तो बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर 2 प्रदर्शन हुए हैं जिन प्रदर्शनों में 10 लाख से ज्यादा की तादाद है, ये किसान है। बंगाल के अंदर भी किसान है और ये महाराष्ट्र के अंदर भी किसान है जो 10 लाख से ज्यादा की तादाद में सड़कों पर उतरे और उस किसान आंदोलन के साथ सॉलिडरिटी कर रहे हैं। वहां पर भी अगर आप देखें तो 2.5 करोड़ किसान वहां मौजूद है आज की तारीख में सारे बॉर्डर्स पर। इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब ने लीडर एक नेतृत्व दिया। बातों से एक चीज साफ है विजय जी कि आप दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन का खुले मंच से आप समर्थन कर रहे हैं, पर हाल ही में एक अभी फोटो वायरल होती है जिस फोटो में मैं एक ही शख्स का नाम लूंगा अफजल गुरु, उनकी भी फोटो लेके लोग तख्तियां लेके बैठे हुए थे। देखिए एक चीज ये समझ लीजिए कि फोटो साफ का जमाना है और एक बात ये समझिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और वो मेरा नहीं सीबीआई का वर्डिक्ट है जी। जब जेएनयू के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा था जी। उस कार्यक्रम में एक नारा लगा और वो नारा था टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े, तो इस तरह का कुछ नारा लगा। वो मुंह बांधे हुए 10 लोग उस कार्यक्रम में आए और उसमें कन्हैया कुमार से लेकर के और तमाम वहाँ के तमाम छात्र नेताओं पी नागा और कौन कौन सारे साथी वहाँ गिरफ्तार हुए। और बाद में क्या हुआ, चार्जशीट दबाई तो पता लगा कि ये नारा लगाने वाले लोग अभी तक ट्रेस नहीं किए जा सके। तो ये तमाम इस तरह के आंदोलनों को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिशें होती रहती है कि सवाल क्या है। हम कह रहे ठीक है उसके अंदर अफजल गुरु का नाम लेने वाले लोग हैं तो आप उनको गिरफ्तार करिए। अगर अफजल गुरु कोई ऐसी शख्सियत है जिनका नाम लेने से, जिनका फोटो लगाने से इस देश की सॉवरेंटी को कोई खतरा है तो आप उनको पकड़िए। मिशन भी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, पैरामिलिट्री फोर्स आपके पास है, सेना आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, लाइव आपके पास है, पूरा तंत्र आपके पास है जी। लेकिन वो सवाल जो एड्रेस कर रहे हैं किसान, वो सवाल को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप संभाषण के युद्ध में बता रहे हैं कि 1962 में ये लोग जो आंदोलन में है ये लोग 1962 के युद्ध में भारत के साथ नहीं थे। ये प्रधानमंत्री की चिट्ठी है, कृषि मंत्री ने किया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा 58 साल पहले का युद्ध आप ला रहे। लेकिन आपको यह साथ नहीं मालूम है कि न जाने कितने किसान वहां बैठे हुए जिनके बेटे 1962 के युद्ध में शहीद हो गए, 1971 के युद्ध में शहीद हो गए। और अभी जितने किसान बैठे हुए अगर आपके पास खबर होगी तो राजौरी बॉर्डर में 2 किसानों के बेटे शहीद हो गए जिनके पिता वहां आंदोलन में बैठे हुए। आपका आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था? आपके संघ का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था?
तब संघ इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके अंग्रेजों को इस देश में बड़ा रखने की कोशिश कर रहा था। आज आप दुनिया को देश भक्ति पढ़ा रहे हैं और इस तरह की जुमलेबाजी यूरोपीय आईटी सेल के जरिए किसान आंदोलन छात्र आंदोलन हो तो उसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया, किसान आंदोलन हो तो खालिस्तान हो पाकिस्तान आ गया। अरे जो सवाल एड्रेस किया जा रहा है उस सवाल पर आप क्या कह रहे हैं? आप किसके लिए कंपनियां खोल रहे हैं? ये कंपनियों के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना गया, कलेक्टर विल साइन द मेमोरेंडम बिटवीन दी कंपनी, किसान से पूछने की जरूरत नहीं ये एक्ट के अंदर है। और ये बात भी पब्लिक डोमेन में है कि एसडीएम विल बी आर्बिट्रेटर, ए एसडीएम निवास में पैसा, जाति में पैसा, चरित्र में पैसा, दस दस रुपए बटोरने वाले एसडीएम किसान और कंपनी के बीच में आर्बिट्रेटर होंगे, सिविल कोर्ट में आप मुकदमा नहीं ले सकते इनके खिलाफ। सरकार ने कहा कि वो एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे, किसान कह रहे हैं कि हम यहां से नहीं हटेंगे, ये निष्कर्ष कैसे? ये इतिहास तय समय तय करेगा, इसको जो है हम यहाँ बैठ कर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े जो मसले हुए हैं वो मसले संसद में नहीं तय हुए, अदालतों में नहीं तय हुए, उस सड़क पर तय हुए हैं और ये मसला भी सड़क पर तय हुआ। चलिए विजय जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और इस पर एक खास चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात यह निष्कर्ष की बात की जाए तो निष्कर्ष ये निकला कि आखिर भविष्य के गर्त में क्या रखा है इस पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ दो तरह की बातें सामने आ रही, पक्ष विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को हवा देते हुए नजर आ रहा है, कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही, पर देखने वाली बात रहेगी विपक्षीय राजनीतिक पार्टियां लगातार किसानों का समर्थन कर रही हैं, आखिरकार क्या ये जो हवा है, ये जो बयार है, ये कहीं राजनीति में चुनाव के दौर तक तो नहीं पहुंचेगा? ये आने वाला समय बताएगा। और आप सबका धन्यवाद करूंगा जो आप हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद।